Good morning, students. Today we will start with our fourth part of disaster management, 20 number chapter. Okay, and today we will do the last topic of natural disaster, that is forest fire. And then we will come to the topic of man-induced disasters, and in that we will cover the topic of terrorist attack and riots. Okay, you can see the image of forest fire over here. Now, first of all, understand what is forest fire. In the first video, I have said that forest fire is a natural disaster as well as it can be counted in a man-induced disaster. Now, how it occurs? Okay, forest fire kaise hota hai? A forest fire is a fire which occurs in forest and creates devastation. Except for lightning, all other reasons for forest fire are man-induced. अब अगर वो लाइटनिंग की वजह से आग लग जाती है या एट टाइम्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज यू नो द ड्राई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज यू नो दे स्लाइड टू ईच अदर एंड स्पार्कल होता है उसमें भी लाइटनिंग होगी तो फॉरेस्ट फायर अकर हो सकती है दैट इज वी कैन से अ नेचुरल थिंग हैपनिंग ओके तो उसकी वजह से अगर हो रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर बट बहुत बार बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ मैन बहुत बार यू विल सी के मैन ने वहाँ पे लोग जा रहे हैं फॉरेस्ट में आग जलाते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं तो वो आग अगर सूखे पत्तों में पकड़ लिया तो पूरे फॉरेस्ट में आग लग सकती है या यू नो द पीपल स्मोक ओवर देयर बीड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं और फिर वही जलती सिगरेट बीड़ी उधर फेंक देते हैं या मैच स्टिक फेंक देंगे तो उसकी वजह से आग पकड़ लेती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैन ओके अमंग देम थ्रोइंग ऑफ burnt butts of cigarettes, beedies or matchsticks, burning things left by tourists. Tourists घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ burning चीज़ें उधर छोड़ देते हैं आग लगा कर Then pilgrims or shepherds etc. are the major reasons. There are more probabilities of forest fire occurring during a dry season after autumn. ये सब आग कब लगती है जब एकदम dry season होता है hot season होता है तब बारिश की season में आग नहीं पकड़ सकती या ठंडी की सीज़न में ज़्यादा आग नहीं पकड़ पाती है बिकॉज ऑल दैट इज़ मॉइस्ट गीले लकड़ी में आग नहीं लगती है सूखी लकड़ी में आग जल्दी पकड़ लेती है एट दैट टाइम द ड्राई ग्रास एंड पॉलन ट्री लीव्स एक्ट एज द फ्यूल दिस सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर व्हेन बोथ एंड इनफ्लेमेबल फ्यूल आर ड्राई दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट फायर व्हिच स्प्रेड्स फास्टर ड्यूरिंग विंडी डेज ऑफ मोर टेम्परेचर एंड लेस ह्यूमिडिटी जब विंड और इनफ्लेमेबल फ्यूल आर ड्राई विंड भी हवाएं जो चल रही हैं वो भी सूखी हवाएं हैं और जो नीचे पत्ते वगैरह हैं ट्रीज की ब्रांचेस हैं वो भी अगर सूखी हैं तो जल्दी आग पकड़ लेती है ओके और जब भी विंड्स चल रही हैं दैट आर ड्राई विंड्स विदाउट ह्यूमिडिटी तो भी आग जल्दी जल्दी फैलती है अगर उसमें ह्यूमिडिटी कंटेंट है मॉइस्चर है तो वो इतनी आग नहीं फैलती है Some trees ooze out oily and inflammable material so the fire spreads faster. उसमें भी अगर ऐसे trees हैं जिसमें oil content है trees में तो उसमें आग जल्दी पकड़ लेगी और जल्दी फैलेगी Once the forest fire starts, it spreads in the direction of wind, advancing at a velocity of about 15 kilometers per hour on all sides. Okay, तो जिस डायरेक्शन में हवाएं बह रही हैं उस डायरेक्शन में आग फैलती जाती हैं एंड एट द वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर्स पर आवर उस स्पीड से हवाएं चलती हैं और आग फैलती हैं वंस इट स्टार्ट्स एंड इफ अटेम्प्ट्स आर नॉट मेड प्रॉम्प्टली टू एक्सटिंग्विश इट द फॉरेस्ट फायर वुड स्टॉप ओनली अंडर टू सिचुएशंस द फॉरेस्ट फायर इज एक्सटिंग्विश्ड कम्प्लीटली बाय इटसेल्फ और ड्यू टू हैवी रेन लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेती है तो दो ही सिचुएशन में यू नो फॉरेस्ट फायर बंद हो सकती है उसमें यू नो मैन एफर्ट्स काम नहीं करते हैं अगर बहुत ज़्यादा घने जंगलों में आग लग जाती है यू विल सी द केसेस वेयर द फायर इज कंटिन्यूसली यू नो ब्लोइंग आउट फ्रॉम लास्ट 3 months, 5 months, 6 months तक आग चलती ही जाती है और इतना फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय होता जाता है ओके तो वो कैसे बुझती है खुद ब खुद बुझ जाएगी या अगर बारिश पड़ जाती है तो वो फायर बुझ जाती है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर स्मोक एंड स्पार्क राइजिंग हाई विद द वार्म एयर करंट क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ फायर अमंग द नियर बाय सेटलमेंट्स ओके बहुत बार नियर बाय एरियाज में भी आग लगने की
शक्यता हो जाती है, वी कैन से इजन इट, उनको भी डर होता है कि आग अगर विलेज एरियाज हैं तो उसमें भी पकड़ लेती हैं. सो द पीपल आर मूव्ड आउट ऑफ दैट एरियाज. वॉट टू डू, एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी बोल रहा है उस टाइम पे, अगर उधर लिविंग एरियाज हैं तो दे हैव टू फॉलो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. अरेंज स्पेशल पेट्रोलिंग इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स. दिस इज द वर्क ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, दे हैव टू डू पेट्रोलिंग ऑफ द एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, सो दैट अगर कहीं पे भी कुछ स्पार्कल दिख रहा है, कुछ आग दिख रही है, तो इमीडिएटली इट कैन बी स्टॉप्ड और एक्सटिंग्विश्ड. एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी ट्रेन्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट फायर. सो दीज फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड इनफ टू एक्सटिंग्विश दिस फॉरेस्ट फायर. नाउ व्हाट नॉट टू डू व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. डू नॉट थ्रो अ बर्निंग वीडी और अदर थिंग्स. इजंट इट, अगर हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो वी हैव टू टेक वेरी यू नो ड्यू प्रिकॉशंस दैट वी डोंट हैव टू बर्न मैच स्टिक या जलती हुई बीड़ी सिगरेट उधर नहीं फेंकनी है. दैट इज द मेन कॉजेज ऑफ कैचिंग फायर. पीपल लिविंग इन सेटलमेंट्स नियर द फॉरेस्ट फायर एरिया शुड नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अगर ऐसी आग लग जाती है तो पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. Now we come to the topic of man-induced disaster. Okay, man-induced मतलब man के negligence की वजह से, man की error की वजह से, कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से you know disasters हो रहे हैं. तो what are these man-induced disasters? Industrial accidents. This happen because mostly because of the negligence of man, errors of man. Then viral diseases. Okay, that spreads out in men and that too because we can say कि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैन ने एनवायरनमेंट को ख़राब करके रखा है उसकी वजह से. टेररिस्ट अटैक्स, दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर बिकॉज समवेयर इट टेक्स द लाइव्स ऑफ सो मैनी पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑल टुगेदर. दिस इज अ मैन इंड्यूस्ड इंटेंशनली वी कैन से डिजास्टर, सोच समझ के किया हुआ डिजास्टर है. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड वायरल डिजीजेज are unintentional, but terrorist attacks we can say and riots are intentional disasters. Traffic problems we can say unintentional, but ha, man ka selfishness, greediness to have more number of cars or you know apni luxuries ko pura karne ke liye number of vehicles increase hote ja rahe hain, because of that traffic problems are being created. So all these are what, man induced disasters. Okay, now the first one we will start with terrorist attack. Terrorist attack, we all know that since last decade of the last century, the terrorist activity in the entire world has become very much wicked. In reality, terrorism does not care for any race, community or a region. It is the enemy of mankind. When we see such attacks, okay, we say that these attacks never see any community, any region or any race. कहीं पे भी अटैक कर लेते हैं, कोई भी लोग जो इसके इसमें आए वो उनकी डेथ हो जाती है. सो इट कैन यू नो इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पूरे ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड के अगेंस्ट में है ऑल सच एक्ट्स. द इमोरल डिस्ट्रक्टिव एक्ट परफॉर्म बाय अ पर्सन और अ ग्रुप इज कॉल्ड टेररिज्म. इट इज़ टोटली एन इमोरल एक्ट, हमारे मॉरल वैल्यूज ये कभी अलाउ नहीं करते हैं. एंड अ डिस्ट्रक्टिव एक्ट, destruction is caused, destruction of infrastructure, destruction of we can say buildings, then destruction of lives, kitna sab kuch nuksan ho jata hai. Performed by a person or a group is called terrorism. It can be done by one person, two person or a group of person. Okay, and we can say it is an intentional act, soch samajh ke kiya hua act hai. We will never say it is unintentional, ke maine to socha hi nahi tha par bomb phat gaya, aisa nahi hota hai. अगर बम ब्लास्ट हो रहा है कहीं पे, मतलब किसी ने सोच समझ के वहाँ पे बम रखा है टू डिस्ट्रॉय द मैनकाइंड, सो इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट. इनह्यूमन एक्ट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड देयर बाय ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स देयर डिमांड्स, जेनोसाइड, एबडक्शन एक्सेट्रा, टेररिस्ट वेपन्स. ओके, एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, लोगों के मन में डर पैदा करना है,
ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स देयर डिमांड्स, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर अटेंशन क्रिएट करके दे वॉन्टेड टू फुलफिल देयर डिमांड्स. जेनोसाइड एंड एबडक्शन आर टेररिस्ट वेपन्स. जेनोसाइड्स मीन्स दे क्रिएट केमिकल, यू नो, वेपन्स वी कैन से केमिकल्स छोड़ देते हैं ऐसे, तो इससे लोगों का यू नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और यू नो पीपल डाई. दिस इज वन टाइप ऑफ टेररिस्ट अटैक. ओके, एंड एबडक्शन मीन्स जैसे हम जिसको बोलते हैं ना, किसी को किडनैप कर लिया या पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया. ऑल दीज आर यू नो एबडक्शन, ऑल दीज आर टेररिस्ट वेपन्स. Nowadays, the terrorism has spread in many countries of the world. In recent times, no country is safe from terrorism. Okay, आज के ज़माने में कोई भी country ऐसा नहीं है that is totally safe from the point view of terrorism. In nearly all the countries, such type of acts are taking place. Now, some terrorist attacks, the main attacks of the world. On 9th September 2001, a series of suicidal attacks were made in USA. By a terrorist organization. Okay, now USA में भी ऐसे attacks हो चुके हैं. And on 9th September 2001, okay, suicidal attacks हुए थे. Suicidal attacks means you will see a plane crashing in the Twin Tower. Means जो plane चला रहा होगा उसकी तो death confirm ही है. Means this is a suicidal attack. मतलब वो जो pilot है उसे पता है कि मैं तो मरने वाला ही हूँ और अपने साथ कितने लोगों को और मार रहा है. About 19 terrorists hijacked 4 passenger jet planes, of which 2 planes were dashed against the Twin Towers in the New York City. See, these 19 terrorists, they hijacked 2 planes, 4 passenger planes, okay, jet planes, of which 2 planes were dashed against Twin Towers. उन्होंने पहले 4 plane को hijack किया और उसमें से 2 plane जाके they were, you know, dashed against the Twin Towers in the New York City. Now in the picture you can see one plane has already dashed over here. तो उसकी flames वगैरह हमको दिख रही है. And the second plane you can see over here, it is about to dash. Means these two planes, you know, their main purpose was to dash so that full building collapses. Due to all this, all passengers on board and many people working in these towers were killed within few minutes. See the condition. What did they do? जो पैसेंजर प्लेन्स में लोग थे उनकी तो डेथ हो ही गई. अलॉन्ग विद दैट, ट्विन टावर्स में इतनी ऑफिसेज में जो काम कर रहे थे लोग, उनकी भी डेथ हो गई. मैनी पीपल वर इंजर्ड एज देयर हाउसेज कोलैप्स्ड. ऑफ द अदर टू प्लेन्स, वन डैश विद अ पेंटागन एंड द अदर टू डैश इन अ फार्म इन पेनिसिल्वेनिया. ओके, बाकी के जो दो प्लेन्स थे, वन ऑफ देम डैश्ड इन अ पेंटागन एरिया एंड द अदर इन अ फार्म, ओके, इन अ पेनिसिल्वेनिया. There were no survivor from these two planes. Okay, उन दोनों planes में से भी कोई नहीं बचा. In this attack, about 3,000 people were victimized and more than 6,000 were injured. Just imagine, so many people injured and nearly 3,000 people died because of this. In detail, if you want to study about this, okay, you just type on the net and just go through it, the stories of what had happened on 9 September. Now the second example of this terrorism they have given of India itself. On 13th December 2001, 5 terrorists from one terrorist organization attacked the Indian Parliament building and took the complex under its ban by firing about without any restraint. You know, there were, we can say, 5 terrorist people. They entered this our Parliament house and they started firing without any restraint. कोई रोक टोक के बिना they started firing. Indian army soldiers staked their lives and defied the plan of nation's enemies to dissolute the parliament, which is like a holy temple of democracy. About 8 security guards become martyrs and 16 were wounded. Immediately जो वहाँ के security guards थे to save the people inside, you know, they came into action. Okay, but then also our 8 security guards died and 16 were wounded in this attack. Now the third, again the terrorist attack, they have given the example, okay, of this Taj Hotel. On the night of 26th November 2008, a series of bomb blast and firing took place near well-known hotels and some important places in Mumbai at a regular interval.
कहाँ पे हुआ था? एट होटल्स इन मुंबई एट अ रेगुलर इंटरवल. ओके, द बम ब्लास्ट टुक प्लेस ऑन 26 नवंबर 2008. अबाउट 137 पर्सन्स वर इंजर्ड. इन सम वेल नोन होटल्स द टेररिस्ट केप्ट मेनी पीपल अंडर कस्टडी. ओके, दे अटैक ऑन दिस होटल ताज एंड दे हैड केप्ट सो मेनी पीपल अंडर कस्टडी. बहुत टाइम तक उन्होंने लोगों को डरा कर उस होटल में कैद करके रखा था. द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट 200 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडोज, 50 मिलिट्री कमांडोज एंड 5 बटालियंस टू कंट्रोल द सिचुएशन. हमारी गवर्नमेंट ने फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द होटल एंड फॉर द पीपल इनसाइड दे हैड सेंट 200 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडोज भेजे. ओके, 50 कमांडोज भेजे एंड 5 बटालियंस ऑफ टू कंट्रोल द सिचुएशन. After 2 days struggle, all the terrorists equipped with modern armaments were killed. Just imagine, पूरा ये होटल कितने दिनों तक, 2 दिन तक उन्होंने घेर के रखा था और उसमें अटैक किए जा रहे थे. Just imagine the condition of the people inside. 2 दिन तक कोई terrorist हमारे ऊपर बैठे हों and all the time we have a fear that they will any time kill us. In December 2014, about 141 persons, including 132 innocent students, were killed in a terrorist attack on an army school located in the cantonment area of Peshawar in Pakistan. One small example they have given, okay, in the school, in the army school, 132 students were killed and about 141 persons injured, we can say, including 132 innocent students. Sorry, 141 were killed. और उसमें से स्टूडेंट्स कितने थे? 132. एंड दिस हैड हैपेंड इन डिसम्बर इन 2014 इन पाकिस्तान. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टेररिज्म वेयर दे पीपल नेवर सी एनी कास्ट रिलीजन, कहीं कुछ नहीं देखेंगे, जस्ट दे वॉन्ट टू अटैक द ह्यूमैनिटी. नाउ वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेररिज्म. फर्स्ट, इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी डाउटफुल बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन. अगर हमको कहीं लगता है कि दिस इज अ डाउटफुल पर्सन या टेररिस्ट हो सकता है तो वी कैन इन्फॉर्म द पुलिस. डू नॉट टच एनी अनक्लेम थिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस सच अ शॉपिंग मॉल, सिनेमा, गार्डन्स, रिलीजियस प्लेसेस. कहीं पर भी हम जा रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि अनक्लेम्ड थिंग, कोई भी ऐसे लावारिस चीज़ पड़ी है, वी डोंट हैव टू टच इट. You inform the police कि such such type of thing is being kept over here. उसका कोई मालिक नहीं दिख रहा है. Police will come and take that thing. Not your responsibility to touch that property or thing. Cooperate in security check for safety reasons. Okay? Cooperate in security check. कहीं पर भी हम जा रहे हैं और हमारी security check होती है, like airports are there और we can say railway stations are there, या हम museums में जाते हैं या कहीं पे भी ऐसे चीज गार्डन्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो वी शुड ऑलवेज कोऑपरेट. दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ अस एज वेल एज अदर पीपल. इफ़ यू रेंट योर हाउस, रजिस्टर इट विद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. दिस इज रिक्वायर्ड अंडर लीगल प्रोविजंस. हमने अगर कोई घर भी दिया है रेंट पे तो हमको वो रजिस्टर करवाना है इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन कि हम किसको दे रहे हैं ये घर और उसमें कौन रहने आ रहा है. उनका आइडेंटिटी प्रूफ लेकर वी हैव टू सबमिट एवरीथिंग इन द पुलिस स्टेशन. पब्लिक प्लेसेस शुड बी वेल इक्विप्ड विद CCTV कैमराज. यू नो इन पब्लिक प्लेसेस जहाँ जहाँ हैं द गवर्नमेंट हैज़ टू सी दैट CCTV कैमराज शुड बी देयर. इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज में भी जितना हो सके हमें CCTV कैमराज लगा लेनी चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज. वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस और अ ट्रेन, इफ एनी पर्सन इज नोटिस्ड हैविंग लेफ्ट लीविंग हिज लगेज बिहाइंड, इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज इमीडिएटली. अगर बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी लावारिस चीज़ पड़ी है या कोई छोड़ के जाता है तो वी डोंट हैव टू टेक दैट, जस्ट इन्फॉर्म द ओके. सो यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज ओवर देयर कि सच अ बैग हैज़ बीन लेफ्ट आउट बाय अ पैसेंजर. ओके, और इन्फॉर्म देम कि दिस इज अ बैग लाइंग over here. If your neighbor is single, does not mingle with local people, is working on computer till late night, then inform the police about his or her behavior. अगर कोई neighbors में ऐसे कोई लोग रहने आते हैं जो किसी से mix नहीं हो रहे हैं और single हैं
या बहुत लेट लेट नाइट तक काम कर रहे हैं एंड यू गेट अ सस्पिशियस डाउट ऑन देम, देन यू कैन इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट देयर बिहेवियर. इन्फॉर्म पुलिस अबाउट द अनक्लेम्ड व्हीकल्स. बहुत बार ऐसी कार या टू व्हीलर्स या ऐसे कुछ अनक्लेम्ड व्हीकल्स कहीं पे पड़ी हुई होती हैं जिनका हमको पता नहीं है कि ओनर कौन है, तो भी हमको पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए. नाउ व्हाट नॉट टू डू, डू नॉट एक्सेप्ट एनी गुड्स और पार्सल फ्रॉम एनी अननोन पर्सन. हमको किसी भी से भी पर्सन से कोई भी अननोन पार्सल एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो हम ट्रेन में हों, बस में हों, पब्लिक एरियाज में हों. कोई भी हमको कोई भी पार्सल देकर जाता है कि पकड़ो प्लीज मैं आ रहा हूँ, नो, यू शुड नॉट, यू नॉट टेक एनी पार्सल फ्रॉम एनी पर्सन. मे बी सम ड्रग्स आर देयर, मे बी सम बम्स आर देयर इनसाइड, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन टेकिंग एनी ऑफ द पार्सल फ्रॉम अननोन पर्सन. जब तक पहचान नहीं है तब तक पार्सल एक्सेप्ट नहीं करो. डू नॉट रेंट योर हाउस टू एन अननोन पर्सन विदाउट थरो इंक्वायरी अबाउट हिम. रेंट पे घर देना है तो अगर वो इंसान की पहचान नहीं है मत दो घर रेंट पे. हाँ, अगर थ्रू एंड थ्रू किसी के लोग आ रहे हैं, यू नो दैट पर्सन, इट्स ओके, बट देन रेंट पे देने के बाद उनके जो आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं वो अपने पास भी रखो, एज वेल एज पुलिस में भी इन्फॉर्म करना है हमें. डू नॉट सेल योर होम, मोबाइल फ़ोन और अ व्हीकल टू एनी अननोन पर्सन. कोई भी अननोन पर्सन को हमको मोबाइल फोन्स व्हीकल्स बेचना नहीं है. Now another part of it is riots. This problem is faced by many countries in the world. If we examine the general characteristics of any riots, it is noticed that most of the persons are not aware of its root cause or purpose. Their presence is only for crowding or for imitation. Such crowd would gathers without any common purpose or interest, seems to disturb the peace intentionally. Such riots make the administrative setup, which is established by law, unstable. Riots kab hote hain? जब लोग गैदर हो जाते हैं और मोस्टली उनको पता ही नहीं है कि हम किस पर्पज़ के लिए यू नो गैदर हुए हैं. यू विल सी मैक्सिमम टाइम्स जब भी रायट्स होते हैं, फ्यू पीपल आर द लीडर्स. ओके, दे टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द इनोसेंट पीपल. दे यू नो अपने टीम में उनको इकट्ठा करके उनसे रायट्स करवाते तो हैं, बट द पीपल इट्सेल्फ डोंट नो फॉर व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर. Isn't it? उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है या दोस्ती की वजह से डू सच टाइप ऑफ एक्ट्स. ओके, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो बनाया हुआ है, लॉ बनाया हुआ है, वो सब टूट जाता है. मीन्स दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. समटाइम्स व्हेन सच राइट्स टेक पॉलिटिकल कलर एंड टर्न इनटू रिवोल्ट और आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कम्युनल राइट, द सोशल वेलबींग एंड हार्मनी आर एट रिस्क. ओके, इसकी वजह से लोगों के जो भाईचारे है वो टूटता जाता है, हारमनी यू नो जो प्यार मोहब्बत है वो कम हो जाती है. इनोसेंट सिटीजन्स हैव टू सफर अ लॉट ड्यू टू सच रायट्स. और यू नो इनोसेंट सिटीजन्स जो आसपास के लोग काम कर रहे हैं या जो वहाँ से पास हो रहे हैं, बहुत बार दुकानें जलाई जाती हैं तो इनोसेंट लोगों की दुकानें जलाई जाएंगी, गाड़ियाँ जल जाती हैं तो इनोसेंट लोगों की गाड़ियाँ जल जाती हैं, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है. ओके, उनका इतना नुकसान हो जाता है. दे हैव टू सफर अलॉट. लाइफ सस्टेनेंस ऑफ लेबरर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. मोरओवर अलॉट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर डैमेज. सो मेनी लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, सो मच प्रॉपर्टी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इन सच रायट्स. इट क्रिएट्स अ चैलेंज टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ओके, इट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन. What to do? Prevent talks which spread rumors and violence. Isn't it? हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए that create more of such violence. Isn't it? या rumors, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए हमको. Form a peace committee in your residential area and be actively involved. Always we should be a part of peace community. Isn't it? और ऐसी committees होनी चाहिए जो यू नो वर्क टूवर्ड्स दैट एरिया. इज़न इट, कि हमको ऐसे सब राइट्स में कभी शामिल भी नहीं होना है, ना ही ऐसे टाइप के र्यूमर्स फैलाने हैं. परफॉर्म योर सिविल ड्यूटीज़ बाय हेल्पिंग दोज अफेक्टेड बाय द रायट्स. इफ़ एनी सच रायट टेक प्लेस इन योर एरियाज, तो वी हैव आर ड्यूटी रायट्स के बाद. इफ़ एनी पीपल आर इंजर्ड और एनी सब प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड, सो मेनी टाइम्स यू नो द व्हीकल्स आर बीइंग बर्न डाउन,
तो हमारी ड्यूटी बनती है टू टेक द इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल्स, और अगर आग लगी हुई है तो हमको वो फायर एक्सटिंग्विश करनी है. दैट टू आफ्टर रायट्स एंड दैट टू फर्स्ट वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस ओनली वी हैव टू टेक सच स्टेप्स. पुलिस का प्रोटेक्शन हो तो ही हम आगे बढ़ के ऐसी हेल्प करें, वरना वी एज अ सिटीजन डोंट हैव टू इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द पुलिस. वॉट नॉट टू डू, डू नॉट बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग र्यूमर्स. हमको वो चीज़ नहीं बननी है जो हम र्यूमर स्प्रेड करते जाएँ, इज इट, हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वी आर नॉट रेडियोज, इज इट, टू स्प्रेड द न्यूज एंड दैट टू र्यूमर्स तो कभी नहीं फैलाने हैं. डू नॉट वायलेट द इंस्ट्रक्शंस और कर्फ्यूज डिक्लेयर बाय द अथॉरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. उस टाइम पे अगर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वी हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन आर सोसाइटी और इन आर स्टेट और इन आर कंट्री, वी हैव टू फॉलो दैट वेरी स्ट्रिक्टली. वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडिया. डू नॉट बिलीव एंड स्प्रेड बेसलेस टॉक्स अपीयरिंग इन सोशल मीडिया. जैसे बहुत बार सोशल मीडिया में भी ऐसी टॉक्स आती रहती हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं ऑन सच यू नो इंसिडेंट्स. सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ सच टॉक्स और डोंट यू नो बिलीव इन ऑल सच टॉक्स. वी हैव टू अवॉइड ऑल सच डिस्कशंस एंड टॉक्स. टेररिस्ट समटाइम्स हाईजैक अ बस, ट्रेन और अ प्लेन टू गेट देयर डिमांड्स मेट विद रिलीजिंग देयर अकम्प्लाइंसेस फ्रॉम जेल और फॉर अदर डिमांड्स. They bring pressure by taking the passengers into custody. In such circumstances, the family members of the persons taken as hostages should maintain peace and support the working of the administration. जबी भी अगर बस हाईजैक हो जाती है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको तो एक तो पैनिक क्रिएट नहीं करना है. ओके, दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव, दे हैव टू डू वॉट द टेररिस्ट से एट दैट टाइम. इज़न इट, हमको अगर हम ऐसी बस में हैं या ऐसी प्लेन में हैं जो हाईजैक हो चुका है, तो एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेररिस्ट पीपल एट दैट टाइम. अगर हमने कहीं पे भी उल्टा स्टेप ले लिया तो हो सकता है कि हमारी वजह से दूसरों की जान चली जाए. सो दैट वी हैव नॉट टू डू. ओके, एंड फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो हमको फॉलो करते रहना चाहिए. इवन अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सपोज दोज हु आर इन द प्लेन, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव टू फॉलो. इन सच इंस्टेंसेस प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड टू रिलीव द सिटीजन्स आइदर बाय कमांडो ऑपरेशंस और थ्रू द टॉक्स विद द टेररिस्ट. गवर्नमेंट ट्राइज टू यू नो रिलीज द पीपल इन द हाईजैक्ड प्लेन और बस और ट्रेन ओके बाय सेंडिंग कमांडोज. कमांडोज बहुत बार आ जाते हैं और टेररिस्ट को मारकर या टेररिस्ट को पकड़कर प्लेन या ट्रेन को रिलीज कर देते हैं और थ्रू द टॉक्स विद द टेररिस्ट पीपल. दैट डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दे टेक द स्टेप्स, बट इन दैट केसेस वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट और सपोर्ट द पीपल एट दैट टाइम. ओके, सो ऑल दिस वॉज one part forest fire of natural disaster and the other part was of man-induced disaster. Okay, given on page number 150 and 151 of your textbook. This terrorist attack, this is being given I think on page number 152 and 153. Go through it. Okay, very easy topics, big topics coming in 3 marks or 4 marks short notes. Okay, thank you, Bitter. Have a nice day.